गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज टेक्चर ब्यूटी। एंड मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल स्टेप फेसियल जो कि आप घर पर कर सकते हैं। इसमें जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, कॉस्टली नहीं है, आप आराम से उसको खरीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके फेस में बैक्टीरिया से आता है। तो मैं पहले सबसे पहले इसको इस क्वांटिटी में यूज़ करूँगी। सो आई एम अप्लाइंग। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। आपके फेस पर जितनी भी डस्ट होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी एंड जो भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं इस पर, तो आपके फेस से वो जो उसकी खासियत है वो आपके फेस पर नजर आएगी। तो गर्दन को भी आपको नहीं छोड़ना है, पूरे एरिया को कवर करना है, मसाज करना है। आईलिड पे आप जब भी मसाज करें तो फिंगर टिप की हेल्प से, रिंग फिंगर की हेल्प से आप मसाज करें, तो इससे क्या होता है आपके जो आईज पर इस एरिया पर प्रेशर कम अप्लाई होता है, क्योंकि आपको प्रेशर कम अप्लाई करना है यहाँ पर। इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी और जितना प्रेशर अप्लाई होना चाहिए वही प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप मसाज करें। करने के बाद आप सिंपल कॉटन, बेड कॉटन की हेल्प से या फिर बेड वाइप्स से अप्लाई कर लें, जो भी एलोवेरा जेल एंड आपके फेस में जो भी डस्ट है वो सारी रिमूव हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप में हमने एलोवेरा जेल को फेस पर अप्लाई किया था, जो भी मेरे फेस की डस्ट थी वो निकल चुकी है। अगर आपके फेस में टैनिंग आ गई है तो एक टैन रिमूवर जो फेस स्क्रब है उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके फेस अपने स्किन टेक्चर के अकॉर्डिंग आपको फेस स्क्रब यूज़ करना है, तो अभी मैं एक टैन रिमूवर फेस स्क्रब यूज़ कर रही हूँ जो बायोटिक का प्रोडक्ट है। सो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करने से पहले आप ध्यान में रखिए कि आपका जो फेस है या तो वो पानी से वेट होना चाहिए, मतलब पानी आपके फेस पर होना चाहिए, भींगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल को आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लिया है कुछ इस तरीके से, तो मैं इसी से अपने फेस को एक लेयर दे दूँगी जिससे मेरी स्किन सॉफ्ट रहे। अगर मैं स्क्रब को डायरेक्ट अप्लाई करती तो मेरी स्किन डैमेज हो सकती थी, तो हमेशा याद रखें कभी भी आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। देन कुछ इस तरीके से इसका काफ़ी थोड़ा प्रोडक्ट ही आपके फेस पर यूज़ कर सकते हैं फुल फेस पर। तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है और इसको जेंटली पहले इस तरीके से पूरे फेस पर इसको फैला देंगे, देन आप बिल्कुल हल्के हाथों से आप अप्लाई करिए। तो जो आपका नोज का एरिया होता है वहाँ पर जो वाइट हेड्स आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, तो आपको नोज पर मसाज करनी है और पूरे फेस पर सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आप अप्लाई करिए। और अगर ये आपको स्क्रब टाइट फील होता है, मतलब आप मसाज कर रहे हैं आपको स्क्रब टाइट फील हो रहा है, तो आप पानी ले सकते हैं, नहीं तो जेल ले सकते हैं, और इसको थोड़ा लूज होना चाहिए, ये टाइट नहीं होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना डरावना दिख रहा है और मुझे अपने फेस देख के हंसी आ रही है। सो गाइस, इट्स सो स्केरी बट इट्स ओके। एम आई लुक प्रिटी? नॉट नाउ बट आफ्टर माई स्क्रबिंग इट्स लुक प्रिटी एंड नॉट प्रिटी बट इट्स लुक क्लीन। सो इस तरीके से आपको अपने फेस पर मसाज करनी है और इसको ज़्यादा मसाज नहीं करनी है आपको, सिर्फ 2 मिनट तक मसाज देनी है। सो गाइस, मैं अपने फेस को वॉश करके आ गई हूँ एंड
फेस वॉश करने के बाद जब भी आप अपने फेस को क्लीन करें तो एक क्लीन टॉवल से ही उसको पानी को हटाएं, बिकॉज अगर कपड़ा गंदा होगा तो आपके फेस पर डस्ट आ जाएगी जिससे आपका फेस रिएक्ट करेगा एंड पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम्स होंगी आपको। सो हमेशा क्लीन ड्राई एंड उसको आपको बहुत प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बी जेंटल विथ योर स्किन। सो इस तरीके से सॉफ्ट तरीके से इसको हटाएं, नहीं तो नॉर्मली ऐसे ही ड्राई होने दें। सो माय थर्ड स्टेप इज फेस पे मैं ये पैक लगा रही हूँ। जो ये पैक है ये मुझे पर्पल कंपनी की तरफ से फ्री मिला था। सो मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था जिसमें ये उन्होंने फ्री दिया था और मैं इसको आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ गाइस। सो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसमें रोज वाटर की स्मेल आ रही है और इसमें मैंने पानी मिक्स किया है। सिंपल मैंने पाउडर को लिया है एंड उसमें पानी मिक्स कर दिया सिंपल। सो गाइस इसकी ये बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई है। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, सो मैं इसमें एलोवेरा जेल को ऐड कर दूँगी जिससे ये मेरे फेस पर अप्लाई हो जाएगा इजीली। पानी तो मैंने सही मिक्स किया था, पता नहीं क्यों ड्राई है ये और मेरे फेस पर ये स्प्रेड आउट नहीं हो रहा है। सो अब ये लग रहा है इजीली, इसको लगाने के बाद अच्छा फील हो रहा है। सो जब तक मैं इसको लगा रही हूँ मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस अभी से 2 साल पहले मुझे स्किन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, एक्नीस की, एंड कहीं भी मुझे पिंपल्स आ जाते थे यहाँ। अब आते हैं लेकिन बहुत कम। तो मुझे मेरे कलीग्स ने सजेस्ट किया था कि तू फेशियल क्यों नहीं ले लेती है, मतलब पार्लर में जाके फेशियल क्यों नहीं करवा देती है। तो मैं फेशियल कराने गई पार्लर पर, बट वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था गाइस बहुत ही बेकार था, बहुत बेकार। एक तो उसने 1000 रुपये लिए, देन उसने जो स्क्रब किया मेरा फेस पूरा छील दिया गाइस, एंड वो कितना भी प्रेशर अप्लाई करती है, उनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता, वो बताती भी नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड बस बोलेंगी आपको गोल्डन VLCC का यूज़ करना है, लोटस का करना है फेशियल, हनी फेशियल करना है, डायमंड फेशियल करना है, गोल्ड फेशियल करना है, इस तरीके से। बट मैंने बोला कि हाँ ठीक है आप ये फेशियल करिए जिससे मेरे जो एक्ने की प्रॉब्लम है या कुछ सजेस्ट करिए, तो उन्होंने किया। उसके बाद मुझे डबल एक्नेस आ गए। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मैंने खुद से प्रोडक्ट्स खरीदे क्योंकि 1000 रुपये में आप बहुत कुछ खरीद सकते हो। तो जो मेरे पास अभी जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, जैसे ये बाव का, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया था तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने खुद ऑर्डर किया था तो ये आई थिंक 100-200 का है, एंड पर्पल से मुझे ये फ्री में मिला। सो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पैसे को बचाइए। एंड आप YouTube से सीख सकते हैं, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो मेरा यहाँ पर फेस पैक रेडी हो गया है, आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें और इसको ड्राई होने दें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो इसको 5 मिनट तक आप छोड़िए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ के रखें। इसे ऑयलिंग का सॉल्यूशन मिलता है और ड्राई स्किन वाले 5 मिनट तक। ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन टाइप का फेस मास्क लगा सकते हैं जो ड्राई स्किन के लिए है, अदरवाइज इट्स ओके। ये तो वैसे इसमें लिखा है क्रिएटेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो इसे मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस मैंने फेस पैक को रिमूव कर लिया है। अगर आपको एक ब्राइटर स्किन चाहिए और अगर आपके फेस में टैनिंग आ गई है और उसको हटाना है, तो इसके अलावा एक स्टेप आपको और करना होता है जिसमें एक आपको टमाटो लेना होता है, टमाटो का हाफ कट करके, एंड उसमें आप एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए। टमाटो से आपकी स्किन ब्राइट होगी क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, एंड एलोवेरा जेल में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्पेशली सन से जो बर्न हो जाती है हमारी स्किन, मतलब टैनिंग आ जाती है, और इस एलोवेरा जेल से आप एंटी एजिंग से भी बच सकते हैं क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों की, तो ये आपकी स्किन को बहुत हेल्प करेगा। तो आप इस तरीके से पहले आप इसके जो ऊपर एलोवेरा है उसको इस तरीके से लगाएं, देन इसको इस तरीके से रब करें। टमाटो को इस तरीके से जब भी आप अप्लाई करें तो आप फील कर सकते हैं कि आपकी स्किन काफ़ी हैप्पियर फील होगी एंड आपको बहुत स्मूथ फील होगा। टमाटो को आपको सर्कुलर मोशन में हल्का प्रेस करते हुए, जिससे इसका जो जूस है वो थोड़ा बाहर आए, देन आप अप्लाई करें और इसको नेक पर ही अप्लाई करें।
जिसके से आपका टैन रिमूव होगा एंड एजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर कहीं आपके डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी, जैसे मेरा ये यहाँ पर तो वो रिमूव होगा। इसको बहुत जेंटली, अभी यहाँ पर मेरी स्किन ठीक हो गई है। अगर आपका पिंपल्स है तो उसको ज़्यादा हार्शली आप रब ना करें, वो सॉफ्टली आप इसको अप्लाई करें अपने फेस पर। सो गाइस इट्स डन गाइस, मैंने अपने फेस को धो लिया है, अब मैं अपने फेस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं और मेरा फेस काफ़ी क्लीन एंड मॉइस्चराइज फील हो रहा है। और आप जब खुद अप्लाई करेंगे तो आपको फील होगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें और स्टे कनेक्टेड विद मी गाइस। थैंक यू सो मच।